हम अपने बचपन में बाजार में या गली में या मोहल्ले में साइकिल लेके चले जाते थे तो प्रॉब्लम नहीं होती थी वालदे हमें इजाज़त देते थे चार बजे पाँच बजे लेके चले जाओ या गली मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेलते थे आजकल के ज़माने में मेरी दोनों बेटियों को साइकिल चलाना नहीं आती है यहाँ तो मैं उनको गाड़ी में डाल के साइकिल एफ नाइन पार्क लेके के जाऊँ अपने अंडर सुपरविजन मैं सब सोच भी नहीं सकता कोई भी नहीं मेरा ख्याल आप सोच सकता कि अपनी बेटियों को या किसी बच्चों को साइकिल दे और के जाओ जाके चलाओ जो हालात इस्लाहाबाद में चल रहे हैं आई मीन रजिस्टरिंग रेप केसेज एवरी मंथ अटेम्प्टेड एंड नॉट और वो बड़े बड़े पार्कस में एफ नाइंग पार्क में और जो एवरी सिंगल डे यू सी स्नैचिंग और ये और क्राइम अब बढ़ा है तो मुल्क छोड़ दें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी पहले मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ फिर मुल्क छोड़ने वाले सवाल का जवाब देता तो। हूँ मेरे ख्याल में ये एक विशेष सा ट्राइंगल है जहाँ गुर्बत होती है ना वहाँ जहालत होती है जहाँ जहालत होती है वहाँ क्राइम होता है जहाँ क्राइम होता है वहाँ गुर्बत होती है ये विशेष है ये क्रॉस ब्रीड करता है ये प्रोजेक्शन पर चलता है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो डिस्टेंटमेंट है वो वाकई है यानी कि इस मुल्क में मुश्किल नहीं है इस मुल्क में तकलीफें नहीं हैं लेकिन आपका क्या ख्याल है कि कोई बंदा यहाँ से वापस अमेरिका चला जाता है या आज कोई प्लंबर यहाँ से चला जाता है अमेरिका तो वो वहाँ पे उसको बादशाह बना देंगे अपने मुल्क का वो बेचारा वहाँ काम ही करेगा लेकिन नहीं, नहीं, जो ले... साहब अगर बादशाह नहीं भी बनेगा तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगा मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो यहाँ पे पंद्रह या बीस की नौकरी करते थे वो अगर ऑस्ट्रेलिया जाके सिर्फ टैक्सी भी चला रहे हैं तो दे वो साल का बीस पच्चीस लाख रुपये कम अज़ कम अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं

जिनको काम जो फॉर्डर हैं जिनको काम नहीं आता वो तो कंज्यूम होंगे यहाँ भी बाहर जो बाहर के मुल्क हैं जिनको काम नहीं भी आता उनको भी अच्छी लाइफ दे ही देते माइनस द दे गल्फ एरिया आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या, या यू या चले जाए आप जिनको काम नहीं भी आते हैं एक गाड़ी चला लें उन्होंने जो अपनी वैल्यूज है ना उनके पैरामीटर डिफरेंट लेवल पर सेट किए हैं हमारे यहाँ एक सेवन क्वार्टर में चार नौकर सुला देते हैं आप वो स्पेसिफिकली नापते हैं कि एक आदमी को सोने के लिए कितनी जगह चाहिए सही है। आप एक कमरे में या एक कंटेनर के अंदर मजदूर को नहीं सुला सकते जिसमें हवा ना आती हो जिसमें पंखा ना लगाओ सो so जहाँ से आप कॉर्डन सेट करते हैं ना आप जब तक वो सेट नहीं करेंगे फिर आप आगे कैसे चलेंगे तो फिर तो इस तरह लाएग साले लाएग साले चले जाएंगे फिर जो भी एवरेज है जो भी एवरेज जितने ग्रेजुएट्स आजकल निकल रहे हैं